झुंझुनू नगर परिषद की टीम से कहा सुनी करने वाले व्यक्ति ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। दरअसल वार्ड नंबर 1 में एक व्यक्ति ने जरूरतमंद बताते हुए राशन किट ले ली, इसके बाद उसने दोबारा राशन किट की मांग की, जिस पर नगर परिषद की टीम को शक हुआ तो आयुक्त रोहित गरीबों का नेतृत्व में टीम जांच के लिए पहुंची, जिसमें सामने आया कि राशन मांगने वाला व्यक्ति सक्षम है, लेकिन जांच से बौखलाया व्यक्ति जांच टीम से हाथापाई करने लगा। ऐसे में प्रशासन ने व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दी, तो डरकर व्यक्ति नगर परिषद पहुंचा और उसने न केवल माफी मांगी बल्कि एक किट के बदले 10 किट देने की बात कही। साथ ही कहा कि वह लोगों को भी बताएगा कि जरूरतमंदों का हक ना मारे। आगे तो नहीं करोगे साहब, गरीबों का हक भी नहीं छीनोगे, गरीबों का औरों को भी ये कहोगे कि भाई गरीबों का हक नहीं छीनना है। आपको भगवान ने रोटी दाल दे रखी है, तो ये गलती भविष्य में नहीं करोगे आप। जिसकी जिसके लिए आपने जो अभद्र व्यवहार किया उसके लिए क्षमा चाह रहे हो,